BS4 इंजन है इसका। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है न्यू बिहार ऑटोमोबाइल और आज यहाँ पे कंप्लीट एक रीस्टोर हुआ है क्लासिक 350। आप लोग देखो, कंप्लीट क्रोम फिनिश में फिट हुआ है। इसके सारे क्रोम फिनिश किए गए हैं सारे बॉडी पे। इनफैक्ट आपका समझ जाओ, क्लासिक जो अब क्रोम में आता था उसका पूरा बॉडी किट इस पे डाला गया और 500 का मार्क इसे दिया गया। जनरली ये क्लासिक 350 है, लेकिन अभी आप लोग इसका थोड़ा बहुत सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह देख लो। और इसका एग्जॉस्ट नोट भाई शार्क लगा हुआ है, बहुत ही ज्यादा तगड़ा मार रहा है भाई इसका एग्जॉस्ट नोट। तो चलो आप लोग एक बार सिनेमैटिक देख लो। होपफुली आपको सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह पसंद आए होगा। भाई लिटरली देखो क्या ही चमक रहा है भाई, ये आपका जब इस पर सन का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है क्या ही क्रोम फिनिश चमक के आ रहा है भाई। और कंप्लीट रीस्टोर हुआ है, कंप्लीट आपको न्यू हेडलैम्प सेटअप्स वगैरह दिख रहे होंगे। ऐसा देखो इनका DRLs वगैरह और राइट लेफ्ट इंडिकेटर्स भी आपको न्यू इंस्टॉल किए गए हैं। इनफैक्ट पार्किंग लाइट वगैरह भी यहाँ पे देखो R का लोगो लगा हुआ है, ये भी न्यू इंस्टॉल हुआ है। कंप्लीट इसका फोक्स वगैरह भी देखो, और जो फ्रंट मडगार्ड है वो कंप्लीट आपको क्रोम में मिलेगा, क्रोम में एंड ब्लैक एंड एक हल्का सा गोल्डन टाइप का फिनिश, हल्का सा ग्रीनिश है लेकिन आपको गोल्ड ही समझ में आएगा इसलिए गोल्डन ही बोलूंगा मैं। कंप्लीट इसका न्यू मडगार्ड आपको इसमें इंस्टॉल किया गया, A to Z इसके सारे जितने पार्ट्स है कंप्लीट चेंज हुआ है। एलॉय वगैरह देखो, एलॉय भी आपको चेंज है, थोड़े से अलग डिज़ाइन में दिए हुए हैं। C8 का टायर यूज़ हुआ है और 19 इंच का एलॉय है, 90x90 का टायर है। एलॉय में भी आगे में थोड़े बहुत क्रोम के फिनिश है, जैसे इस पोर्शन में देखोगे ये सारे क्रोम के फिनिश आपको दिया हुआ है। और देखो यार इतना क्लीन है ना कि मेरा कंप्लीट चेहरा आपको सामने दिख रहा होगा। बाकी ये तो फ्रंट सेक्शन हो गया, काफ़ी ज़्यादा ही तगड़ा लग रहा है भाई, क्रोम बहुत ही तगड़ा चमक रहा है। इस साइड आते हैं इसके टैंक वगैरह पे, तो कंप्लीट क्रोम फिनिश जो है ना टैंक का, बेसिकली कोई पकड़ ही नहीं पा रहा पुरानी बाइक है यार, सबको लग रहा है ये ब्रांड न्यू बाइक है। और मैं अभी जस्ट वीडियो बनाने के लिए एक दो राउंड मार रहा था इस पर, तो लोगों ने मेरे से पूछा कि क्या तुमने न्यू परचेज किया, तो नहीं भाई मेरी बाइक नहीं है ये, कंप्लीट देखो न्यू रिस्टोर हुई है। और ये कंप्लीट क्रोम फिनिश आपको दिख रहा होगा, यहाँ रॉयल इनफील्ड वगैरह का मार्क वगैरह, तो ये पोर्शन काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रहा है यार। इसका जो क्रोम का टैंक ही वैसा बना हुआ है और इसमें थोड़े बहुत ग्राफिक्स वगैरह भी इसमें दिए गए हैं। बाकी ये ब्लैक कलर में हल्का गोल्ड का स्ट्राइप्स हो गया, ये कंप्लीट क्रोम हो गया। और ये भी देखो रॉयल इनफील्ड वगैरह का मार्क, हैंडल्स वगैरह भी देखो कंप्लीट आपको क्लासिक है। और इनफैक्ट एक और चीज़ देखोगे, हैंडल एंड सीट का लेवल आपको सेम दिखेगा। चलाने टाइम बहुत ही मज़ा आ रहा था इसको चलाने में, कंप्लीट शॉर्ट हैंडल लग रहा था और कंप्लीट समझ जाओ एक होता है ना स्ट्रीट राइडर, मतलब स्ट्रीट बाइक जो होता है उसी टाइप का फील दिला रहा था भाई इसका हैंडल वगैरह एंड सीट वगैरह। सीट भी इसमें न्यू इंस्टॉल हुए हैं, जो सीट्स वगैरह ये भी आपको न्यू इंस्टॉल किए गए हैं इस वाले मॉडल पर। और बेसिकली क्लासिक 350 है, आप वहाँ पर EFI 350 का
नहीं EFI नहीं, सॉरी कार्बोरेटर सिस्टम है, ट्विन स्पार्क EFI, सॉरी ट्विन स्पार्क 350 का मार्क आप यहाँ पे देख सकते हो, और कार्बोरेटर सिस्टम है कंप्लीट। ये भी देखो ब्लैक कलर पेंट हुआ है, इसका इंजन भी है, ये बॉक्स वगैरह, और फिल्टर बॉक्स वगैरह में देखोगे तो क्लासिक वगैरह का लोगो, एंड ये पार्ट आपको रेडियम वर्क किया हुआ है, इस साइड पे देखो एंड इस साइड पे देखो, कंप्लीट आपको रेडियम वर्क वगैरह A to Z इस पे किए गए हैं। और जो रेयर का है वो भी रेयर कंप्लीट आपको क्रोम फिनिश में मिल रहा है, रेयर का टेल ये काफ़ी ज़्यादा तगड़ा लग रहा है भाई, ये वाला टेल जैसा आप लोग देखोगे कंप्लीट टेल, तो कंप्लीट टेल का लुक बताओ, और न्यू इसमें रेयर में जैसा क्लासिक का लगता है टेल लाइट वो सब लगा है, और एग्जॉस्ट नोट एक बार देख लो भाई, कंप्लीट क्रोम फिनिश में शार्क एग्जॉस्ट इस पर अभी जस्ट इंस्टॉल हुआ है, क्योंकि हाफ कट में मैं लेके आया इसे, स्टार्ट करते हैं एक बार इसे, और बाकी जेन्युइन पार्ट सारे लगे रॉयल इनफील्ड के, इनफैक्ट अगर बोलोगे तो अभी आपको प्राइस वगैरह भी बता देंगे हम लोग, तो चलो एक बार स्टार्ट करते हैं। अच्छा न्यूट्रल पे नहीं है, सॉरी न्यूट्रल पे नहीं है, अभी ऊपर चलाने के लिए न्यूट्रल से हटा था भाई, तो न्यूट्रल लगाते हैं, चलो न्यूट्रल पे आ गया, और एक बार करते हैं स्टार्ट। बाइक अपने अपने मूव कर रही भाई, एग्जॉस्ट दे रहे हैं तो देखो भाई बहुत ही ज़्यादा लाउड साउंड आ रहा है, हाई रेव करने पे थोड़ा सा पॉप्स एंड क्रैक्स मतलब कि पटाखा टाइप का लग रहा है। अब पटाखा वगैरह भी इसमें फूट जा रहा है भाई, PS3 इंजन है, जैसा सुनो थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा, पटाखा फूट रहा है क्योंकि BS3 इंजन है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा, और थोड़ा सा पटाखा फोड़ने का फ्लो में गलत बोल दिया, BS3 नहीं BS4 इंजन है, सॉरी उसके लिए, BS4 इंजन है इसका, और तो पटाखा आराम से फूटेगा, BS6 इंजन में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है पटाखा में, और एज सच अभी तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी लग रही है, और एग्जॉस्ट नोट आप लोगों को कैसा लगा बताओ, और रेयर का भी अलॉय व्हील दिखाते हैं, तो रेयर में आपको 18 इंच का अलॉय व्हील लगा है 110/90 का, और ये देखो कंप्लीट क्रोम पार्ट, जब इसके अलॉय में देखेंगे कंप्लीट क्रोम फिनिश वगैरह, और एग्जॉस्ट काफ़ी तगड़ा, BS4 है फिर से बोल रहा हूँ मैं, BS3 मेरे मुंह से निकल जा रहा था भाई, और कंप्लीट हेडलैम्प वगैरह भी चेंज है, तो इसको एक बार स्टार्ट करके ही दिखाएंगे आपको, रुको इसके लिए बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, अच्छा यस देखो कंप्लीट हेडलैम्प अभी ऑन होगा, तो हाई बीम वगैरह हो गया, एंड ये आपका कलर भी चेंज हो सकता है हाई बिन लो बिन पे, आप इसे येलो करो एंड वाइट पे रखो वहाँ पे, और पायलट रैंप वगैरह देखो, और बहुत ही सूथिंग साउंड आ रहा भाई इस वाली शार्क एग्जॉस्ट का, बहुत ही तगड़ा साउंड आ रहा, तो भाई अभी आप लोगों ने इसका एग्जॉस्ट नोट वगैरह सुना, ये जो कलर है मतलब क्लासिक 350 का, ये पहले रेडिश रेड कलर था, और अभी कंप्लीट फुल्ली क्रोम हो गया, अराउंड 12,000 का जेन्युइन प्राइस आपका रॉयल इनफील्ड का पड़ेगा, देखो 12,000 से लगभग कुछ है, तो आप लोग पता करके बता सकते हो भाई कमेंट सेक्शन में, अगर हम लोग गलत बता रहे हैं तो, बाकी अराउंड 3,000 to 3,300 का मडगार्ड्स वगैरह है सिंगल, और कंप्लीट वो भी क्रोम फिनिश में, बाकी इंजन वगैरह बफ हुआ है, इसका इंजन पेंट भी हुआ है वहाँ पे, और अभी शार्क एग्जॉस्ट भी लगा, तो A to Z भाई काफ़ी मोटा खर्चा आया है इस पर, लेकिन इतना मोटा खर्चा आने के बाद कंप्लीट ब्रांड न्यू कंडीशन में बाइक हो गई है, रॉयल इनफील्ड बुलेट कंप्लीट ब्रांड हो गई है, अलॉयज वगैरह भी चेंज है, जैसे अलॉयज का डिज़ाइन आप लोग देख रहे होंगे ये भी कंप्लीट चेंज है, तो चलो होपफुली आपको इसका सारा इन्फॉर्मेशन वीडियोज़ वगैरह मिल गया होगा, एग्जॉस्ट कैसा लगा वो बताओ, और बाकी ये वीडियो शूट कर रहे थे न्यू बिहार ऑटोमोबाइल में बुलेटिन रॉबर्ट, इनका इंस्टाग्राम हैंडलिंग है, तो वहाँ आप लोग पता कर सकते हो सारा प्राइसिंग रेंज वगैरह, और हम लोग इसे शिपिंग भी करते हैं, और एक और चीज़ ये क्लासिक 500 नहीं है भाई, ये क्लासिक 350 है, तो एक चीज़ ध्यान में रखना,
तो चलो हम लोग वीडियो एंड करते हैं, होपफुली वीडियो आपको पसंद आएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ भाई, अगर हमें 100K पहुँचा दो यार तो बहुत ही मज़ा आएगा, 100K पहुँचा दो यार, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।